नमस्कार दोस्तों, आज मैं वोकल प्रोसेसिंग, वोकल पे इफेक्ट लगा के आप अपनी वोकल को कैसे पॉलिश कर सकते हैं, कैसे उसको अच्छा बना सकते हैं, उस पे मैं इस वीडियो को आपको समझाऊंगा कि आप एफएल स्टूडियो के अंदर अपनी वोकल प्रोसेस कैसे कर सकते हैं, इफेक्ट लगा के उसको सुंदर से सुंदर कैसे कर सकते हैं। तो हम उसको पहले आप सुनते हैं और उसके बाद इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जरा संभल संभल के चलवे बुलिया, ए दुनिया तो खेबाजां दी, तैनू अपना बना के लुटन गे तैनू अपना बना के लुटन गे, कुछ छुपे छपाए राजा दी, जरा संभल संभल के चल वे बुलिया, ए दुनिया तो खेबाजां दी। मिठे मिठे जहर दे वांगू तन तेरे विच उल जावणगे, तैनू पता भी लगन देना नहीं, तेरे प्राण फकेरू रुल जा। दुखावणगे हंस किन्नू खोल सुनावेगा, हंस किन्नू खोल सुनावेगा, ऐना नू ना शर्म लिहा जांदी, जरा संभल संभल के चल वे बुलिया, ए दुनिया धोखे बाजांदी। जरा संभल संभल के चल वे बुलिया, ए दुनिया धोखे बाजांदी, तैनू अपना बना। लगभग बिना इफेक्ट्स के वोकल कैसी है देखे। जरा संभल संभल के वोकल कैसे पॉलिश हो रही है, कैसे उसके अंदर इफेक्ट लग रहे हैं और कैसे वो काम कर रहे हैं। आप भी अपनी वोकल पे इसी प्रकार काम कर सकते हैं। संभल संभल के चल वे बुलिया, ए दुनिया धोखे बाजां दी, तैनू अपना बना के लुटन गे तैनू अपना बना के लुटन गे, कुछ छुपे छपाए राजां दी, जरा संभल संभल के चल वे बुलिया। मेरी ये वोकल जो थी, मैंने जब इसका माइनर कोड में था, डी शार्प माइनर में थी वोकल, और वोकल मैंने कहाँ से देखी उसके बारे में अभी बताता हूँ आपको, देखते रहें। जरा संभल संभल के चल वे बुलिया, ए दुनिया धोखे बाजां दी, तैनू अपना बना के लुटन गे तैनू अपना बना के लुटन गे, कुछ छुपे छपाए राजां दी, जरा संभल संभल के चल वे बुलिया, ए दुनिया धोखे बाजां दी। मिठे मिठे जहर दे वांगू तन तेरे विच घुल जावणगे, तैनू पता भी लगन देना नहीं, तेरे प्राण फकेरू रुल जावणगे, तू रोवेगा ए हसणगे,
तेरा हास्या स दिल दुखावणगे। हंस किन्नू खोल सुनावेगा, हाय सुनावेगा, हाय सुनावेगा। हंस किन्नू खोल सुनावेगा, ऐना नू ना शर्म लिहा जांदी। तो अभी दोस्तों आपने देखा कि मेरी खुद की वोकल है, मेरा खुद का जो गीत सॉन्ग जो लिखा हुआ है, मैंने खुद लिखा हुआ है, इस पे मैंने एफर्ट लगाए हैं। और अगली वीडियो पार्ट टू में, ये पार्ट वन है वोकल प्रोसेस का, पार्ट टू में आपको बीट मैचिंग करनी सिखाऊंगा, फिर इसमें बीट मैचिंग के साथ मिक्सिंग करनी सिखाऊंगा, फिर उसके अगले पार्ट में आपको जो है मास्टरिंग पे कुछ एफेक्ट लगा के दिखाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मैं एप्पल स्टूडियो पर इसी प्रकार के, इसके साथ एक मैंने प्रोसेस चला रखा है हारमोनियम पे, हम अपनी वोकल को मीठा कैसे कर सकते हैं। सिर्फ पॉलिश करने से काम नहीं बनता है, तो हमें अपनी वोकल को अच्छा कैसे करना, उसकी रेंज कैसे बनानी, वो भी मेरा चल रहा है साथ साथ। तो आप दोस्त सभी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने देखा है बहुत से साथी देखते हैं, केवल ध्यान नहीं रहता आपका, मैं कहता नहीं लगभग वीडियो किसी में भी सब्सक्राइब करो, तो प्लीज़ बिना कहे ही आप सब्सक्राइब, आपको पता है किसी भी चैनल से आपको कभी भी कुछ सीखने को मिलता है। मैंने बहुत से चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं जहाँ से मेरे को अच्छा सीखने को मिलता है। ये हमारी नैतिकता बनती है कि जिस चैनल से कुछ सीखने को मिले उस चैनल को हम सब्सक्राइब करें। तो मैं अगले वीडियो में ये भी बताऊँगा कि मैंने जैसे ये था डी शार्प जो है वो वोकल का पता कैसे किया, उसमें हम मिक्सिंग मैचिंग करेंगे, बीट मैचिंग करेंगे इस वोकल को। अभी मैंने सिर्फ वोकल रिकॉर्डिंग की है, इस वोकल को बीट से मैचिंग करेंगे, प्लस आपको दिखाएंगे कि इसका मैंने वो कोड कैसे बता दिया। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे होगी। धन्यवाद। जरा संभल संभल के, संभल संभल के, संभल संभल के चल वे बुलिया, ए दुनिया तो खेबा जा दी।